हेलो दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं आप ही के कुछ सवालों के जवाब लेकर। इस बार फिर हमें बहुत सारे मेल्स मिले हैं। हमारी व्यूअर जानना चाहती हैं कि उन्हें फेब 2015 में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, जिसे उन्हें ऑपरेट करके अबॉर्ट कराना पड़ा था, तो क्या वो अगस्त मंथ में दोबारा ट्राई कर सकती हैं बच्चे के लिए? सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। आमतौर पर सेक्स के बाद जब आपके शरीर के अंदर स्पर्म प्रवेश करता है, तब ओवरी से फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक एग रिलीज होता है और वो एग स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज होता है, और ये फर्टिलाइज्ड एग आपके यूट्रस के अंदरूनी लाइनिंग से जुड़कर एक भ्रूण में विकसित हो जाता है, जो 9 महीने के बाद एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है। 50 गर्भधारण में से एक में ये फर्टिलाइज्ड एग आपके फैलोपियन ट्यूब में रह जाता है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। गर्भधारण के पहले कुछ हफ्तों में ही ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप प्रेग्नेंट हैं। ऐसे केसेस में बच्चे को बचा पाना मुश्किल होता है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट के द्वारा प्रेगनेंसी को ख़त्म करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि कभी भी किसी भी मेडिकल रीज़न की वजह से अगर आपके फैलोपियन ट्यूब में कोई डैमेज हो जाता है, और इस केस में अगर डैमेज ज़्यादा है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए फैलोपियन ट्यूब को निकालना पड़ सकता है, बल्कि यहाँ तक कि कभी कभी तो यूट्रस को भी निकालना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, अगर डैमेज कम है तो लेप्रोस्कोपी के द्वारा भ्रूण को निकालकर फैलोपियन ट्यूब को रिपेयर कर दिया जाता है। अगर आप फिर से माँ बनना चाहती हैं तो आपको 3 से 6 महीने तक के लिए वेट करने की एडवाइस दी जाएगी, और ये 3 महीने की एडवाइस इसीलिए दी जाती है ताकि आपका मासिक धर्म नॉर्मल हो सके। पहला चक्र आपको सेफ्टी के लिए अवॉइड करना चाहिए, और जब आपको दूसरा चक्र आता है तो वो आप अपनी प्रेगनेंसी के बाद का पहला मासिक धर्म समझ सकते हैं। तब तक आपके फैलोपियन ट्यूब को भी स्वस्थ होने का मौका मिलेगा, जो सर्जरी के दौरान थोड़ा डैमेज हो चुका है, क्योंकि उसका भरना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर आपका एक फैलोपियन ट्यूब निकाल भी दिया जाता है तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में 2 फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, और प्रेग्नेंट होने के लिए 1 फैलोपियन ट्यूब का स्वस्थ होना ही ज़रूरी है। आंकड़ों के हिसाब से अगर आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी के 1.5 साल के अंदर दोबारा प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आपके सक्सेसफुल प्रेग्नेंट होने के 65% चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप 2 साल के लिए रुक जाती हैं तो वही 65% चांसेस 85% चांसेस में बदल जाते हैं। बस आप खुश रहें, अच्छा खाएं, बैलेंस डाइट लें और तनाव से दूर रहें। आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें दोबारा मेल कर सकते हैं। टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। क्या हुआ, आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम में कोई सुधार नहीं आया क्या? डॉक्टर, पीरियड्स तो मंथ में एक बार ही हो रहा है, बट इररेगुलर है। हम बच्चा प्लान कर रहे हैं बट सक्सेस नहीं मिल पा रहा। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके पीरियड्स बहुत जल्दी हो जाते हैं या फिर देर से हो रहे हैं? वही तो पता नहीं चल पा रहा है डॉक्टर। कभी तो 18-20 दिन में स्टार्ट हो जाता है, कभी 1.5-1.5 महीने तक नहीं हो पाता है। ओह हाँ, ये है तो काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके भी सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है, शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो हमारे नीचे दी गई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी सुझाव हो वो भी आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।